بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो दोस्तों हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम एक अलग तरीके से कुरान की एडिटिंग करने की कोशिश करेंगे। वो तरीका बिल्कुल सिंपल है। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर दरकार है जो है अल कुरान फ्री के नाम से ये वाला एप्लीकेशन है। दोस्तों सबसे पहले ये एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद क्या करना है, जो भी सूरत आप लोग एडिट करना चाहते हो तो वो सूरत आप लोगों ने ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसके लिए तीन ऑप्शन आएंगे। तो दोस्तों मैं सूरह काफिरून को एडिट करना चाहूँगा, तो सूरह काफिरून ये रहा। अब इसमें अल कुरान टीवी जो है इसको चूज़ कर दे, ये लेआउट आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें बात ये है कि इसमें कुरान की एडिटिंग जो है वो खुद बहुत हो चुकी है। ये सिंपल टेम्पलेट है और जब इसको प्ले करोगे तो इस पर ऑडियो खुद बहुत चल जाएगी। वो मिशर राशिद अल्फासी की ऑडियो है, वो चल जाएगी। तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल सा स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है तिलावत के साथ, और इसके बाद कैन मास्टर में इसकी तिलावत को आप लोगों ने म्यूट कर देना है और उस पर अपनी आवाज़ लगा लेनी है। चलो इसको थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं। सबसे पहले ऑडियो को म्यूट कर देते हैं ताकि जो कॉपीराइट हो वो ना आए। तो दोस्तों मैंने ऑडियो को जो है वो म्यूट कर दिया, इसको प्ले साउंड पर क्लिक कर देना है। अब ये तिलावत शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों इसको आप लोगों ने सिंपल सा रिकॉर्ड करना है, जिस तरह से बिस्मिल्लाह या कुल या अय्युहल काफिरून इसको इसी के साथ रिकॉर्ड करना है। जब सारी सूरत आप लोग रिकॉर्ड कर ले तो उसके बाद क्या करना है, सिंपल सा कैन मास्टर में इसको इनपुट करना है, और उसके बाद जहाँ पर वाइट हो और रेड उसके ऊपर आ जाता है तो वहाँ वो लफ्ज़ आप लोगों ने पढ़ना है। वो तरीका भी मैं सिखा दूंगा कि किस तरह से पढ़ना है। तो इंशाल्लाह इसके ख़त्म होने के लिए इंतज़ार करना है सिंपल सा। दोस्तों इसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि अगर आप फी सबीलिल्लाह कोई चैनल चलाना चाहते हो, यानी कुरान को बहुत से लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप लोग आवाज़ के साथ रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर भी अपलोड कर सकते हैं। हाँ, कॉपीराइट का मसला हो सकता है इसमें। तो दोस्तों ये रिकॉर्ड हो चुकी है। अब क्या करना है, हमें सिंपल सा कैन मास्टर में जाना है। ये हर सूरह के लिए आप लोगों ने अलग सा डाउनलोड करना होता है, आपके पास नेट लाजमी होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों कैन मास्टर में। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं।
अब यहाँ पर सिंपल सा और सादा सा काम करना है, जो रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने की है वो हमें यहाँ पर इनपुट करना है। सूर्य कैफ्यून की जो मुकम्मल की है हमने, तो यहाँ पर इनपुट करने के बाद उसका जो एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट में जो प्ले साउंड वाली जो लेयर है आप लोगों ने वो रिमूव कर दी है। आखिर में भी ये करना है, और जिस तरह से ये आखिर तक जाएगी तो इसके साथ आप लोगों ने तिलावत अपनी रिकॉर्ड करनी है। यहाँ पर आखिर में ये रिकॉर्ड हुआ है, जो सूर्य नसर आ जाता है तो वो यहाँ पर रख कर आप लोगों ने क्या करना है, ये ट्रिम कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब ये ट्रिम हो गया, अब क्या करना है, सिंपल सी यहाँ पर हमने इसको म्यूट कर देना है, क्योंकि वहाँ पर के साथ तिलावत वो कॉपीराइट फ्री नहीं थी। तो क्या करना है, अब इस पर अपनी आवाज़ रिहा से रिकॉर्ड कर देना है। بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين। तो दोस्तों इस रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा चेक कर रहे थे। بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रिकॉर्डिंग हो गई है। अब क्या करना है, ऑडियो को थोड़ा सा एडिट कर देना है, और सबसे पहले वीडियो को थोड़ा सा एडिट कर देना है। यहाँ पर आना है, इसको फुल स्क्रीन कर देना है, ना नीचे की तरफ हो ना ऊपर की तरफ, और ताकि बैकग्राउंड भी फुल नज़र आए। ठीक है दोस्तों, और दूसरा क्या काम करना है, यहाँ पर एक वाइड सा थोड़ा सा छोटा सा लेआउट ले लेना है, यहाँ पर रख देना है, और यहाँ पर क्या करना है, क्रॉपिंग पे आना है, तो यहाँ पर रख देना है इसको, ताकि जो नाम हो वो हाइड हो जाए, और इसकी जगह आप लोगों ने अपना नाम लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इसकी जगह मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, किस तरह से, मेरा नाम कारी कैमरान आरिफ है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ कारी कैमरान आरिफ, कहा गया कारी कामरान कामरान आरिफ आरिफ। ठीक है दोस्तों, यह होगा, इसको उर्दू वाला फॉन्ट दे देता हूँ, या चलो अरबिक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर है, इसको ब्लैक कलर दे देना है। सिंपल सा ये हमारा काम हो गया। अब इसमें मज़ीद क्या करना है, मज़ीद और कुछ भी नहीं करना। अगर इसके आगे पीछे आप लोगों ने अपने लोगो वगैरह लगानी है तो वो लगा ले, अगर नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर अगर ऊपर नीचे कुछ ना कुछ अपना ऐड करना चाहते हो तो वो ठीक है। बाकी जो है वो सब कुछ रेडी है, हमारी वीडियो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। अब इसको सिंपल एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आना है और 180 पर या 720 पर एक्सपोर्ट कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 720 पर कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी सिंपल सा तरीका। अगर आपके पास अगर फ्री यूट्यूब चैनल हो, मसलन अगर आप फी सबीलिल्लाह वीडियो अपलोड करना चाहते हो और लोगों तक अल्लाह ताला की किताब पहुँचाना चाहते हो, तो ये मैं शेयर, इसमें तकरीबन 8 से 10 कुर्रा हज़रात की तिलावत है, आप वो सब एक एक रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इसको एक बार थोड़ा सा चेक कर देते हैं।
بسم الله الرحمن الرحيم और इसको قل يا तुम أيها الكافرون इसको पहले से कर देते بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप अगर आहिस्ता आहिस्ता से करोगे तो आपकी वीडियो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इसलिए थोड़ी मिस्टेक्स हो रही है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की सिंपल सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अगर कोई भी सवाल हो वीडियो के हवाले से या किसी भी किस्म की एडिटिंग के हवाले से तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, मैं इंशाल्लाह हर किसी को रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों अपने दुआ में याद रखना। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।